गाइस, ये है जटायु का स्टैचू जो कि रामायण के ग्रेट कैरेक्टर थे। एंड ये स्टैचू केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के चडाया मंगलम गांव में स्थित है। एंड इसको राजीव अंचल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक फेमस फिल्म डायरेक्टर एंड स्कल्पचर है। वर्कला घूमने के बाद अगले ही मॉर्निंग में जटायु नेचर पार्क के लिए निकल पड़ी, जिसके लिए मैंने बस पकड़ी वर्कला सेवागिरी बस स्टॉप से आर्टिंगल के लिए। देन आर्टिंगल से मुझे बस चेंज करनी पड़ी कैरेट के लिए। कैरेट पहुंचकर अगले दिन मैं जटायु नेचर पार्क के लिए निकली। वहां से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो कि सिर्फ आपको 20-30 मिनट्स में जटायु नेचर पार्क पहुँचा देगी। और ये वहाँ का एंट्रेंस है, और अभी मैं टिकट लेने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। ऊपर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप केबल कार के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप पैदल जा सकते हैं। केबल कार का कॉस्ट है 500, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 200। आज जटायु अर्थ सेंटर, एंड यहाँ से मैं केबल कार की तरफ बढ़ रही हूँ। केबल कार राइट ना, ये स्टैचू की तरफ लेके जाएगी। गाइस, मैं ऊपर पहुंच चुकी हूं। एंड ये जो आप मेरे सामने इतने सारे पेड़ पौधे और ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सारी ग्रीनरी उगाई गई है इस एडवेंचर पार्क को बनाने के लिए। पहले यहाँ पर बंजर ज़मीन थी, लेकिन इस पार्क को बनाने के लिए सारा कुछ उगाया गया। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये है मेरे सामने जटायु का स्टैचू। गाइस, ये एडवेंचर पार्क 65 एकड़ में फैला हुआ है। एंड इस स्टैचू की जो लंबाई है वो 200 फीट है, चौड़ाई 150 फीट है, एंड इसकी जो हाइट है वो है 70 फीट। गाइस, ये प्रोजेक्ट सिर्फ 100 करोड़ रुपीज़ का है, एंड ये अंडर BOT मॉडल बना है, मींस ये 100% प्राइवेट फंडेड है। जटायु रामायण के वो ग्रेट कैरेक्टर हैं जो सीता मैया की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, जब रावण सीता मैया को किडनैप करके लेके जा रहा था। एंड उसी दौरान रावण ने इनका एक पंख काट दिया, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गए। एंड यहाँ पर आके इन्होंने इसी जगह पर, सेम जगह पर अंतिम सांस ली थी। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि वो इसी पर्वत पर गिरे थे, एंड इस वजह से यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। क्योंकि जटायु की मृत्यु सीता मैया की हेल्प करने के दौरान हुई, इस वजह से ये स्कल्पचर औरतों के सेफ्टी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। राजीव अंचल जी ने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस स्कल्पचर को डिज़ाइन किया है। वो इसके थ्रू सोसाइटी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं औरतों की सेफ्टी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट के ऊपर। और इस नेचर पार्क का बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपीज़ है। ये इको फ्रेंडली है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी उगाई गई है, एंड ये अंडर BOT मॉडल बना है, मीन्स ये 100% प्राइवेट फंडेड है। ऊपर से ये इतना अच्छा मैसेज देता है, इस वजह से ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टैचू है। इस जटायु नेचर पार्क में एक आयुर्वेदिक गुफा रिजॉर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर आपको एडवेंचर से लेकर थ्रिल तक सब कुछ मिलेगा। और गाइस, इस स्कल्पचर के अंदर एक त्रेता युग म्यूज़ियम और एक 3D ऑडियो थिएटर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये घटना त्रेता युग में हुई थी। गाइस, इस स्कल्पचर की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी एक आई से आपको सनसेट देखने को मिलेगा और दूसरी आई से आपको सनराइज़ देखने को मिलेगा। और गाइस, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है, जो कि 15 लाख ऑफ वाटर को स्टोर करता है। गाइस, ये मेरे सामने आप लाखों पेड़ देख सकते हैं जो कि उगाए गए हैं इस एडवेंचर पार्क को बनाने के लिए।
और गाइस इस स्कल्पचर के पास कलर चेंजिंग क्वालिटी भी है, ये डे टाइम में रेड कलर का दिखता है और इवनिंग टाइम में ग्रे कलर का दिखता है। किसी से फाइट करते वक्त उल्टा गिर जाना एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है एंड ये स्कल्पचर वही पेनफुल सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है जब जटायु रावण से युद्ध करते वक्त उल्टा गिर गए थे। और वो रामायण में फर्स्ट कैरेक्टर है जिन्होंने सीता मैया के लिए फाइट की थी। गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 इयर्स का टाइम लगा है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अंडर ब्यूटी मॉडल बना है, मतलब कि ये प्राइवेट फंडेड है और इसे राजीव अंचल ने गवर्नमेंट ऑफ केरल से लीज़ पर लिया हुआ है एंड इसे आफ्टर 30 इयर्स गवर्नमेंट ऑफ केरल ओन करेगी। इस नेचर पार्क में एक एडवेंचर सेक्शन भी है जहाँ पर आपको रॉक क्लाइंबिंग, लेज़र टैग, तीरंदाजी और पेंट बॉल जैसी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक आयुर्वेदिक गुफा रिजॉर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट से लेकर थ्रिल तक सब कुछ मिलेगा। गाइस तो मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ उस मैसेज के साथ जो कि ये स्कल्पचर देता है जो कि औरतों के सेफ्टी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट के ऊपर है। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है सोसाइटी के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।